अगर आप लोग इंसेप्शन मूवी को देखने के बाद ये सोच रहे हो कि कोई भी मूवी आपको हैरान नहीं कर पाएगी, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे पेश है टॉप 5 पैराडॉक्स मूवीज ऑफ ऑल टाइम, जो कि आपके दिमाग का दही वड़ा भी कर सकती है। प्राइमर, ये एक लो बजट क्लासिक फिल्म है जिसमें दो इंजीनियर्स हैं। बेचारे इंजीनियर्स को हमेशा ही लो बजट वाली चीज़ें मिलती है, और ये दो इंजीनियर्स कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं और वहीं एक्सीडेंटली एक ऐसी मशीन बना देते हैं जिससे टाइम ट्रैवल हो सकता है। अब यहाँ पे कॉमन सी चीज़ है कि इंजीनियर है तो उसके पास कोई अच्छी सैलरी तो होगी ही नहीं, तो वो क्या करता है कि वो इस टाइम ट्रैवल से पैसे कमाने का ट्राई करता है। लेकिन उनके एक्शंस का पास्ट और फ्यूचर में काफ़ी बड़ा इफेक्ट होता है, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। ये जो मूवी है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो अगर आप लोगों को टाइम ट्रैवल वाली दिमाग हिला देने वाली मूवीज देखना पसंद है तो इसको ज़रूर से देखिएगा। प्री डेस्टिनेशन, अब इस मूवी के बारे में क्या ही बताऊं? ये एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही बात आएगी, What the इन लोगों ने मोदी जी की आत्मनिर्भर बनने की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बेसिकली इस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो टाइम ट्रैवल करके क्राइम को ख़त्म करता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वो तो आपको मूवी में देखना पड़ेगा, क्योंकि सच में इस मूवी के बारे में इससे ज़्यादा बताना स्पॉइलर देने जैसा होगा। बस मैं आपको इस मूवी के बारे में एक ही लाइन बताऊँगा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। लूपर, ये भी एक टाइम ट्रैवल वाली मूवी है। हीरो का जो 30 साल के बाद का जो फ्यूचर रूप होता है वही हीरो के सामने पास्ट में आ जाता है, जिससे चीज़ें काफ़ी ट्विस्ट से भर जाती है, और उसके बाद क्या क्या होता है वो तो आपको इस मूवी में ही देखना पड़ेगा। सोर्स कोड, इस मूवी के अंदर टेररिस्ट अटैक होने वाला होता है, और इस टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए हमारे हीरो को 8 मिनट मिले हैं, और जब तक हीरो जो है वो इस अटैक को रोक नहीं लेता तब तक उसको यही 8 मिनट बार बार जीने पड़ेंगे। तो ये है एक बेसिक प्लॉट इस मूवी का, और उसके अलावा भी यहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस मूवी के अंदर जकड़ के रखती है, तो आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। ट्रायंगल, जैस और उसका बेटा एक बोट ट्रिप के ऊपर जाते हैं, और वो इस ट्रिप में एक ऐसे पैराडॉक्स में फंस जाते हैं कि बाद में निकल ही नहीं पाते। इस मूवी के अंदर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दिखाया गया है। इसमें पैराडॉक्स के अलावा भी और भी ऐसे स्कैरी सीन्स हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। अब यार जो ये मूवी है वो ऐसी कोई परफेक्ट मूवी नहीं है जो कि सभी को पसंद आएगी, ये कुछ ही गिने चुने लोगों को ही पसंद आने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कुछ अलग देखना है, कोई अलग तरह की मूवी देखना चाहते हो, तभी इस मूवी को देखिएगा। तो ये थी मेरी लिस्ट पैराडॉक्स मूवीज़ के बारे में। अगर आप लोगों ने और भी ऐसी कोई मूवीज़ देखी है पैराडॉक्स के रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ दूसरों किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।